नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। कोरोना में राजस्थान के खिलाफ जंग जारी है। इस जंग में किसी स्तर पर कोई चूक ना हो पाए, इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने एक मीडिया संस्थान के अभियान के तहत आम लोगों के सवालों के जवाब दिए। आइए आपको भी उन सवालों से रूबरू करा देते हैं। सवाल एक, दूसरे राज्यों से लोग गाँव शहरों में पहुँचे हैं, इनकी जाँच की क्या व्यवस्थाएं हैं? इनमें से एक भी कोरोना का मरीज निकलता है तो गांव के गांव साफ हो जाएंगे। जवाब एक, ऐसे लोगों की राज्य की सीमाओं पर कैंप लगाकर जांच की गई, डाटाबेस बनाकर हर वक्त नजर रखी जा रही है, सूचना प्रौद्योगिकी का भी सहारा लिया गया है। यदि इनमें किसी भी प्रकार के कोरोना के लक्षण देखे गए तो तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। सवाल दो, कोरोना के कारण अन्य बीमारियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, भामाशाह कार्ड और जनाधार योजना के तहत इलाज कराने वाले लोग वंचित तो नहीं हो रहे? जवाब दो, चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया है कि कोई भी इलाज से वंचित नहीं रहे। कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं जरूरी सावधानियां बरतते हुए पहले की तरह उपलब्ध कराई जाए। सवाल तीन, सर लॉकडाउन के कारण मकान किराया देने में दिक्कत आएगी, क्या आपकी सरकार भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर इस बारे में कोई मंशा रखती है? जवाब तीन, सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी मकान मालिक किराएदार को बेदखल नहीं करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि मकान मालिक किराए के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। श्रमिकों से एक माह का किराया न लेने का निर्देश दे चुके हैं। सवाल चार, प्रदेश में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के एग्जाम कब तक होंगे, इसे लेकर असमंजस है, सरकार का क्या स्टैंड है? जवाब चार, विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है, जल्द एग्जाम करवाए जा सकेंगे। सवाल पाँच, जो डॉक्टर या अन्य स्टाफ 57-58 की उम्र के हैं, उन्हें फील्ड पर क्यों रखा, जाँच की क्या व्यवस्थाएं हैं? जवाब पाँच, कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर व अन्य चिकित्साकर्मी हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। पूरा देश इनका ऋणी है। पीपीई किट, मास्क, सभी सुरक्षा उपकरण दिए हैं, प्रोत्साहन राशि भी दी है।